शिक्षकों के सम्मान में आज के दिन को मनाया जाता है और स्कूल या विद्यालयों में कई प्रकार के रंगारंग प्रोग्राम होते हैं। जो बड़े बड़े स्कूल है या कॉलेजेस है वहां पे आज पूरे दिन भर जश्न का माहौल रहता है। इस अवसर पर बच्चे या अध्यापकों के द्वारा भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें जो बच्चे प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान पर आते हैं उन्हें जो है स्कूल प्रशासन के द्वारा इनाम दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि इसको मनाया क्यों जाता है, शिक्षक दिवस को मनाया क्यों जाता है। चलो इसे एक व्यक्ति का नाम बताता हूं मैं। पहले व्यक्ति का नाम है सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। ये सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने हैं। देखो आपने ख्याल रखना है 1952 से लेके 1962 तक डॉक्टर राधा कृष्णन देश के उपराष्ट्रपति बने, और उसके बाद 1962 में ये देश के राष्ट्रपति बन गए। अब देखिए इसका इतिहास बताने का कारण क्या है, अब मैं बताता हूं आपको। इन्होंने अपने 40 साल जो महत्वपूर्ण जिंदगी के 40 साल है वो शिक्षा के लिए समर्पित किए, अध्यापक रहे ये 40 साल। ठीक है, तो उसके बाद जब ये देश के राष्ट्रपति पहली बार बने तो कुछ बच्चों ने इनके पास जाके कहा, राष्ट्रपति के पास जाके कहा कि हम आपका जो जन्मदिन है ठीक है उसको मनाना चाहते हैं। अब देखिए सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म हुआ है 1888 में और 5 सितंबर 1888 का इनका जन्मदिन हुआ है। ठीक है ना, अब बच्चों ने क्या बोला, राष्ट्रपति के पास गए कि सर हम आपका जो जन्मदिन है जो 5 सितंबर है इसको हम मनाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक अध्यापक रहे हैं ना। क्या हो गया, जब बच्चे डॉक्टर राधा कृष्णन जी के पास इस मांग को लेके गए कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है मेरा जन्मदिन मनाइए, मैं इस दिन को इस देश के अध्यापकों के लिए समर्पित करना चाहता हूं। क्या बोला, मैं जो है 5 सितंबर को जो है इस देश के अध्यापकों के लिए समर्पित करना चाहता हूं, मतलब इस दिन इस देश का अध्यापक दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो इनके जन्म है उसको किस रूप में मनाया गया, टीचर्स डे या फिर शिक्षक दिवस के रूप में उसे मनाया गया। ठीक है, और दूसरी बात आप सभी जानते हैं जो शिक्षक का काम क्या होता है, शिक्षक का काम होता है शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा बच्चों के माइंड में आ जाती है तो उनके उनमें क्या आ जाती है, समझ आ जाती है, अच्छे बुरे की समझ हमें शिक्षा प्रदान करती है ना। और जो शिक्षा आज प्रदान की जाती है वो कल के लिए आप जैसे बच्चे इस देश के क्या बनेंगे, नेता बनेंगे। आप बच्चे इस देश का क्या है, भविष्य है। क्या है, भविष्य है। आज जो आप सीख रहे हैं वो आप कल अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी में। अगर आप अच्छे नेता बनेंगे या अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर साइंटिस्ट बनेंगे तो वो हमारे देश की तरक्की है। वो बनेंगे किस चीज से बनेंगे, वो शिक्षक से, क्योंकि शिक्षक क्या करता है, शिक्षा प्रदान करता है ना। जब आपके पास शिक्षा होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन खुद जो है एक विद्वान रहे हैं और एक शिक्षक रहे हैं, एक महान विचारक रहे हैं, एक महान चिंतक रहे हैं। ठीक है ना, देश के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सोचा। तो उन्होंने उस वक्त देखा कि इस देश का भविष्य किनके हाथों में है, शिक्षकों के हाथ में है, क्योंकि देश का जो मटेरियल है जो देश को आगे ले जाने वाला वो कहां पे बन रहा है, अध्यापक रूपी कारीगर द्वारा स्कूल रूपी कारखाने में है ना। स्कूल में कारखाना है, ये एक प्रकार इंडस्ट्री है, यहाँ पे हमारे बच्चे का भविष्य तैयार होता है, हमारे देश का भविष्य तैयार होता है, क्योंकि आप सभी बच्चे हमारे देश के क्या है, कर्णधार है, भविष्य है। ठीक है ना।